माननीय सभापति जी, देश में कहीं सूखा पड़ा है और कहीं बाढ़ है। निश्चित रूप से जहां सूखा है वहां आदमी भूखा है, और जहां बाढ़ है वहां तबाही है। नदियों को जोड़ करके इस दोनों समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। और निश्चित रूप से हमारे यहां तो कहा गया है कि का बरखा जब फसल सुखाने, ऐसी बरसात का क्या करेंगे जब फसल सूख जाएगी, ऐसी बरखा का क्या करेंगे, बरखा का जो फसल बहाना है और ऐसी बरसात भी क्या काम की जिससे फसलें बह जाए। तो निश्चित रूप से इस तबाही को बचाने के लिए देश में एक लंबे समय से विचार किया जा रहा है नदियों को जोड़ने के बारे में। इसके लिए आयोग भी गठित हुआ है और उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट देने का काम भी किया है। हिमालय से निकलने वाली नदियों को दक्षिण में जो बहने वाली नदियाँ उनके साथ जोड़ करके केनाल के द्वारा और इसको जोड़ा जाना चाहिए, ये भी कहा गया है। आज की स्थिति में जो समाचार हम पढ़ रहे हैं उसमें यह है कि असम, त्रिपुरा, मिजोरम, बिहार, पूर्वी न्यूज़पेपर इससे अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ऐसा बन रहे हैं ना, तो इससे 18 लाख लोग प्रभावित हुए और असम में 23 जिलों में 11 लोगों की मौत हो गई और 26 लाख लोग प्रभावित हुए। तो ये ऐसी स्थिति से निदान पाने के लिए जो योजनाएँ बन गई हैं उनको कारगर रूप से लागू किया जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले सालों में जिस तरह से ये समस्या बढ़ने वाली है, क्योंकि पानी की मांग बढ़ रही है और उसकी पूर्ति करने की ज़रूरत होगी, और जहाँ पानी नहीं होगा वहाँ परेशानी होगी। तो ऐसी स्थिति में हमें नदियों को जोड़ने की योजना पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। असम और पूर्वांचल की सारी जो नदियाँ हैं वो बाढ़ का एक कारण बन जाती है, हर बरसात में परेशानी का कारण बनती है। लोगों को वहाँ से निजात पाने के लिए कोई उपाय सूझता नहीं, और हर साल हम हज़ारों लाखों करोड़ों रुपये उसमें लगाते हैं। तो ऐसे सारे पैसे का सारा सदुपयोग हो सकता है। और निश्चित रूप से हमने योजना को बना करके 5 सालों में हर एक क्षेत्र की योजना बनाने का काम किया, पूर्व, उत्तर, पश्चिम, ऐसे मध्य क्षेत्र की योजनाओं का। केन, बेतवा हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश की नदियाँ और उत्तर प्रदेश से जुड़ करके भी कर सकती है। हमने नर्मदा जोड़ने का काम शुरू कर दिया है। तो निश्चित रूप से ऐसा छोटा छोटा प्रयोग भी करके हम बाढ़ से लोगों को बचा सकते हैं और जहाँ सूखा है हमारा देने का काम कर सकते हैं। धन्यवाद।